أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to the chapter Polynomials for class 9, subject mathematics. Today's topic is question number 2 from exercise 2.4. Let's read out question number 2. Question number 2 says, use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases. Once again, I will read out question number 2. Use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases. तो हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो पी एक्स है और दूसरा जी एक्स है. तो पी एक्स जो है इट्स अ पॉलिनोमियल विद वेरिएबल एक्स, 2x³ + x² - 2x - 1, ये हमारा पी एक्स है, यानी पॉलिनोमियल विद वेरिएबल एक्स है. और जो ये जी एक्स है जो कि एक्स प्लस वन है, इट्स आवर डिवाइज़र. तो ये डिवाइज़र है, एक्स प्लस वन इज़ अ डिवाइज़र. और ये जो पॉलिनोमियल यहाँ पे है ये डिविडेंड है. x प्लस वन इज डिवाइजर एंड 2x³ + x² - 2x - 1 इज ए डिविडेंड. और हमें बताना है कि क्या ये जो डिवाइजर है x प्लस वन, इज दिस द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्या ये x प्लस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है. और हमें इस्तेमाल करनी है फैक्टर थ्योरम जो कि हम करते आ रहे हैं. ठीक, तो चलिए हम पहला पार्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं. पहला पार्ट हमारा है पॉलिनोमियल विद वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू 2x³ + x² - 2x - 1. तो ये हमारा पॉलिनोमियल विद वेरिएबल एक्स है, ये हमारा डिविडेंड है. और हमारा जो डिवाइज़र है वो है जी एक्स इज इक्वल एक्स प्लस वन. तो चलिए हम इसको देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये एक्स प्लस वन या जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है कि नहीं. तो चलिए हम पहले पी एक्स वापस लिखते हैं सॉल्यूशन में, 2x³ + x² - 2x - 1. और फिर इसी तरीके से यहाँ पे नीचे लिखेंगे जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन. ठीक, हमें फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल करनी है. और फैक्टर थ्योरम में हम ये जो डिवाइज़र होता है यानी जी ऑफ एक्स या एक्स प्लस वन जो है, ये हमें ज़ीरो के बराबर लेना है. तो वही टेक एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वहाँ हमें एक्स का वैल्यू जो है वो निकलता है 0 - 1, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू -1. अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है पॉलिनोमियल में. पुट या सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू -1 इन पी एक्स. देखते हैं, तो पी एक्स हमारा है, पी एक्स हमारा है, एक्स के बदले हमें -1 यहाँ पे लिखना है इज इक्वल टू. तो जहाँ कहीं पर भी हमारी पॉलिनोमियल में एक्स है तो वहाँ पे हमें -1 वैल्यू इस्तेमाल करना है, -1 वैल्यू इस्तेमाल करना है. तो पहले सबसे पहले यहाँ पे है 2 × x³, और x का वैल्यू हम -1 लगाएंगे इसके ऊपर क्यूब, फिर +x² ((-1) और फिर इसका स्क्वायर, फिर यहाँ पे -2x - 2 × x, x का वैल्यू -1 है, और उसके बाद यहाँ पे -1 खुद का भी है इसके पास. तो इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं यहाँ दाएं तरफ हम मुड़ेंगे, नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे. तो नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं.
इज इक्वल टू, तो सबसे पहले तो यहाँ पे 2 इंट 2 वापस लिखेंगे, 2 इंट और यहाँ पे है -1 raised to power 3, तो माइनस को जब हम और टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही निकलेगा, और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, दैट मीन्स -1 cube is equal to -1, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में -1 लिखेंगे। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पे प्लस डालेंगे। ठीक, और इसी तरीके से हम यहाँ पे -1 square, तो माइनस जब इवन टाइम्स हम लेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो 1 square का मतलब हुआ 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। ठीक, 1, तो उसके बाद हमारे पास है -2 into -1, माइनस इंटू माइनस हो गया पॉजिटिव और 2 ones are 2, तो +2 हम यहाँ पे लिखेंगे +2, और लास्ट पे हम यहाँ पे लिखेंगे -1, तो चलिए यहाँ पे हम -1 लिखते हैं। तो इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, 2 into -1 हो गया -2, फिर हमारे पास है +1, फिर हमारे पास है +2, और फिर हमारे पास है -1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, एक तो यहाँ पे -2 है और ये +2 साथ लाएंगे, ठीक है, उसके बाद +1 है और उसके बाद -1 है, ये -2 और +2 कैंसल, ये +1 और -1 कैंसल, तो यहाँ पे 0 निकला है। तो हमारा जो रिज़ल्ट निकला है वो 0 निकला है, तो इसलिए हम कहेंगे कि यस, x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल, और वी कैन से gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस बाय फैक्टर थ्योरम, हेंस बाय फैक्टर थ्योरम gx इज ए फैक्टर, gx इज ए फैक्टर ऑफ px। यस, gx जो है वो फैक्टर है किसका, px का, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट हमारा निकला है वो 0 निकला है, हेंस बाय फैक्टर थ्योरम gx इज ए फैक्टर ऑफ px। तो अगर यहाँ पे 0 निकलता है तो हमें लिखना है कि यस, gx इज ए फैक्टर ऑफ px, अगर 0 के बगैर कुछ और रिजल्ट निकला तो हमें लिखना है नो, gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। ओके,